दोस्तों, जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर शिप पे जाकर काम क्या करना पड़ता है। खासतौर पे जो लोग नॉन ऑफिसर कैटेगरी या क्रू कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है। तो दोस्तों, इस जहाज में हम आपको बताएंगे कि डिपार्टमेंट वाइज आपको शिप पे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। अब तक तो आपको मर्चेंट नेवी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल ही गई होगी हमारे चैनल से। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा चैनल मर्चेंट नेवी के बारे में सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी देता है। तो दोस्तों, एक एक करके देखते हैं कि शिप पे जाकर आपको क्या काम करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मर्चेंट नेवी के जहाज़ों में तीन डिपार्टमेंट होते हैं, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और कैटरिंग या गैली डिपार्टमेंट। तो शुरू करते हैं डेक डिपार्टमेंट के काम से। शिप के ऊपरी हिस्से को डेक कहते हैं और डेक डिपार्टमेंट के लोगों का काम डेक और डेक पे लगी हुई मशीनरीज को मेंटेन करना होता है। शिप क्योंकि स्टील का बना हुआ होता है और समंदर के खारे पानी में चलता है, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाज पर होती है रस्ट का लगना, जंग का लगना। और डेक डिपार्टमेंट के लोगों का काम होता है डेक पे लगी हुई इस रस्ट को हटाना, चिपिंग करके हटाना और फिर उसके ऊपर प्राइमर लगा करके पेंट करना। और दूसरा, जो मशीनरीज होती हैं वो भी रस्ट लगने की वजह से उनकी फंक्शनिंग थोड़ी ख़राब होने लगती है, तो उसमें जो छोटा मोटा मेंटेनेंस होता है जैसे ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, ये डेक डिपार्टमेंट के लोगों का काम होता है। और उसमें अगर कोई बड़ा मेंटेनेंस आएगा तो इंजन वाले काम करेंगे, लेकिन छोटा मोटा जो मेंटेनेंस का काम होता है वो डेक डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि जो कार्गो होल्ड होता है जिसमें कि कार्गो भरा जाता है, उस एरिया को भी नीट एंड क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना, कार्गो की डिमांड के हिसाब से रखना भी डेक डिपार्टमेंट के लोगों का काम होता है। इसके अलावा शिप जब किनारे पहुंचता है, किसी पोर्ट में पहुंचता है, तो डेक डिपार्टमेंट के लोगों का काम होता है शिप को रस्सियों के सहारे पोर्ट से, जिस जेटी बोलते हैं उससे बांधना। ये देखने में सुनने में बड़ा छोटा काम लगता है लेकिन बहुत बड़ा और रिस्की काम होता है क्योंकि रस्सियाँ टूटने से बहुत बार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है। दूसरा, जैसे ही आप पोर्ट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर कार्गो ऑपरेशन चालू हो जाता है, तो कार्गो ठीक क्वालिटी का आ रहा है, सही जगह पर जा रहा है, उसकी पूरी निगरानी करना भी डेक डिपार्टमेंट के लोगों का काम होता है। और इसके अलावा एक वॉच कीपिंग ड्यूटीज़ होती हैं जहाज में। जैसे आपको मालूम होगा ओएस की रैंक होती है, एबी की रैंक होती है और बोसन की रैंक होती है, तो ओएस तो वॉच कीपिंग नहीं करते हैं लेकिन एबी की वॉच कीपिंग की ड्यूटीज़ होती हैं। तो जब जहाज ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ पर बहुत सारे शिप्स होते हैं या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर फिर उसको एबी को जाकर के ड्यूटी ऑफिसर के साथ वॉच कीपिंग की ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसको कि हम लोग स्टीयरिंग बोलते हैं। और स्टीयरिंग भी करना पड़ता है, वॉच कीपिंग भी करना पड़ता है। तो स्टीयरिंग मतलब कि जहाज़ को हाथ से डायरेक्शन से चलाना, और वॉच कीपिंग कि आसपास के जहाज़ों पर भी निगरानी रखना कि हमारा जहाज उनके साथ बहुत पास तो नहीं आ रहा है या कोई एक्सीडेंट जैसी घटना तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, डेक डिपार्टमेंट वालों का काम हुआ डेक और कार्गो होल्ड को मेंटेन करना, पोर्ट में कार्गो ऑपरेशंस पे ध्यान रखना, जहाज़ पे ध्यान रखना, और जब जहाज़ समंदर में हाई ट्रैफिक एरिया में हो तो वॉच कीपिंग और स्टीयरिंग करना। इसके बाद बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों, शिप में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं और बहुत ज़्यादा मशीनरीज होती हैं, तो इंजन डिपार्टमेंट में काम करने वालों का सबसे बड़ा काम होता है राउंड लेकर के सारी मशीनरीज को देखना, उनके पैरामीटर्स देखना, उनकी हेल्थ को देखना और उसको मेंटेन करना। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो इंजीनियर के साथ बात करके, मिलजुल करके उसका सॉल्यूशन निकालना। दूसरा काम है इंजन रूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ऑयल, ग्रीस जैसी चीज़ों को पड़ा छोड़ देंगे तो फायर जैसे चांसेस वहाँ पर हो सकते हैं। तो आपका बहुत बड़ा काम होता है कि इंजन रूम और उसकी मशीनरीज को बिल्कुल क्लीन रखना। और आखिरी चीज़ है कि इंजन पे या किसी भी मशीनरी पे अगर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो इंजीनियर को उसमें हेल्प करना। सबसे टफ काम जहाज पर इंजन डिपार्टमेंट में काम करने वालों का होता है, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए और साथ में सावधानी भी बहुत बरतनी चाहिए, वरना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जान तक उसमें जा सकती है, क्योंकि मशीनरीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और प्रेशर वगैरह भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इंजन डिपार्टमेंट वाले के यही काम होते हैं जिसमें आपकी सिंसियरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है गैली डिपार्टमेंट, जिसमें दो ही लोग होते हैं, चीफ कुक होता है और जनरल स्टीवर्ड होता है। तो चीफ कुक का काम तो देखिए सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाना होता है, उसको ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है, डिनर भी बनाना है। और इसके अलावा जो सामान रखा हुआ है, सब्जियाँ वगैरह, मीट वगैरह जो फ्रिज रूम में रखा हुआ है, उसकी देख रेख करना कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, फ्रिज वगैरह का टेम्परेचर सब बराबर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और समय समय पर उनको अलटते पलटते रहना जिससे कि वो ख़राब ना हो। और इसके साथ गैली जहाँ पर कि वो काम
काम करता है चीफ कुक, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना भी चीफ कुक का काम होता है। इसके बाद आता है जो दूसरा, जनरल स्टीवर्ड। जनरल स्टीवर्ड का मेन काम होता है साफ़ सफाई करना, किचन की सफाई करना, जहाँ ऑफिसर्स वगैरह खाना खाते हैं, क्रू वगैरह खाना खाते हैं, उसकी बिल्कुल अच्छे से सफाई मेंटेन करना। साथ में ऑफिसर्स को क्योंकि सर्विस करनी रहती है, तो जनरल स्टीवर्ड का काम उनको सर्विस करना होता है। चीफ कुक को भी जो थोड़ा बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है वो भी जनरल स्टीवर्ड को करना पड़ता है। इसके अलावा जनरल स्टीवर्ड का दूसरा काम होता है सारे ऑफिसर्स के केबिन की साफ़ सफाई करना, क्योंकि ऑफिसर्स की केबिन की साफ़ सफाई वो लोग खुद नहीं करते हैं, स्टीवर्ड को करना पड़ता है। तो उसका सबसे बड़ा काम सारे ऑफिसर्स के केबिन्स की क्लीनिंग करना होता है, और बाकी जैसा कैप्टन या चीफ ऑफिसर उसको जो ऑर्डर देते हैं वो काम उसका करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको एक रफ आइडिया दिया कि तीनों डिपार्टमेंट के लोगों का क्या क्या काम होता है। ये वीडियो देखकर आपको ये जानकारी तो मिली गई होगी कि शिप पे जाकर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, तो एक रफ आइडिया आपको लग गया है। इसके बाद अपना डिसीजन आप ले सकते हैं कि आप शिप पे जाना चाहते हैं या नहीं, और अगर जाना चाहते हैं तो किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल से मर्चेंट नेवी के बारे में मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में शेयर और लाइक भी करें।